अगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो उससे पीछे हटना मायूसी को जन्म देता है, और अगर आपने अपने मकसद अपने इरादे को अचीव करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया और बस अंधाधुंध उस मकसद के पीछे भाग रहे हैं तो ये सबब बनता है फ्रस्ट्रेशन का। तो दो काम कीजिए, नंबर वन अपने मकसद अपने इरादे को बुलंद रखिए, एंड नंबर टू अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। और अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस सूरत में आपके पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए, बस दिल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है? वही जो तू किया करती थी। ये आप मेरे मौला, कैसी कैसी लड़कियां लिखी हैं तूने मेरी किस्मत में। देख सुंबल, निजामी साहब ने कहा है कि अब सुंबल कहीं नहीं जाएगी। ये दोनों तो डंगर हैं, उसे कोई बुलाता नहीं, तो अब मैंने इसी को कहना है ना। आंटी ये सिर्फ कहा है आपने, इसकी हालत देखिए, इसे सिर्फ कहना कहते हैं। ज्यादा बातें ना बना, अच्छा भला जानती है कि हर चीज कंट्रोल करता है वो मुआ इकराम। मैंने तो उसको जूती भी मारी थी, और मैं क्या करूं। आंटी एक बात आप सुन ले, ये कहीं नहीं जाएगी, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अच्छा कहीं नहीं जाएगी हैं? ये कोठी, इसके बिल, तुम लोगों के कपड़े, तुम्हारे खाने, नौकरों की तनख्वाहें कौन भरेगा हैं? आए दिन इसका मामा आके खड़ा हो जाता है, पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी। आंटी मैं जाऊंगी। क्या? मैं जाऊंगी। तू पागल तो नहीं है सुंबल? पहले जब हम तुझे भेजते थे तो तू चीखें मारती थी, लड़ती थी बिल्कुल इसकी तरह, और अब तू क्या? ना निजामी साहब नाराज हो जाएंगे। निजामी साहब को कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। है मैं तेरे लिए पानी भिजवा रही हूँ, ठीक है? डरना नहीं। कैसी मनमानी करने लग गई हैं ये लड़कियां। तू तो ठहर साथिया, तेरे तो मैं चाचे को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा। तेरे जितनी थी, बल्कि तेरे से भी छोटी जब ये आई थी, जहां कहती थी वहां जाती थी, बड़े ऐश किए हैं उसने। अब एक अमीर आदमी उसके पीछे लगा हुआ है, तो तेरा वो रास्ता खराब कर रही है। मेरी बात मान ले, बड़ी खुश रहेगी।